मध्य प्रदेश में बच्चों को शिक्षा देने वाला विभाग अपने घोर लापरवाही के कारण चर्चा में है। शिक्षा विभाग ने सीएम राइज स्कूलों के निर्माण को लेकर के कोई अनुमति नहीं ली। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने 39 करोड़ की लागत वाली सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग को अवैध घोषित कर नोटिस दे दिया है। ये मामला ग्वालियर के मलगढ़ा का है। बता दें कि ग्वालियर जिले ने 8 सीएम राइज स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें मलगढ़ा में 39 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इस बिल्डिंग के लिए शिक्षा विभाग ने ना तो नगर व ग्राम निवेश की अनुमति ली और ना ही नगर निगम से अनुमति ली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने मौके का मुआयना किया और मलगढ़ा स्थित सीएम राइज स्कूल बिल्डिंग को अवैध घोषित करते हुए शिक्षा विभाग ने नोटिस दिया। सीएम राइज स्कूल का ये पहला केस है जो, इससे पहले जब अंडम की केसेस तो आते रहे हैं, ये पहला केस है जो ऑनलाइन माध्यम से हमारे यहाँ पर प्रस्तुत हुआ था। उसमें अप्रोच रोड और प्लस वो ऑलरेडी किसी स्कूल में बना हुआ था, उस पर बन रहा था, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ दस्तावेज थे जो उनसे मांगे थे मैडम से, जो प्रिंसिपल मैडम के सामने से लगा था, तो उनकी तरफ से उसका कोई जवाब आया नहीं, इस कारण वो केस हमको रिजेक्ट करना पड़ा। क्योंकि जो भी मापदंड है मास्टर प्लान के और भूमि विकास नियम के, उसके अकॉर्डिंग वो होना चाहिए। यह जो सीएम राइज विद्यालयों के भवनों का निर्माण है वो हमारे यहाँ MPHIDC उसमें निर्माण एजेंसी है, और इसी तरीके से एक आर्किटेक्ट भी हमारे यहाँ हायर किया हुआ है, और इसके आधार पर जो जिला प्रशासन ने हमको भूमि उपलब्ध कराई थी और वो भूमि अतिक्रमण से मुक्त थी, और इस प्रकार की भूमि पर जो नक्शा बना था उस नक्शे को के आधार पर निर्माण कार्य कंपनी करा रही है।